Hello friends, I am Rahul and welcome to the ECLE Learning Institute. ECLE means everybody can learn English, you can learn English. स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और आज हम पढ़ेंगे who और whom का यूज़ और जिस इसका यूज़ पढ़ेंगे हम relative pronoun में. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें इसके लास्ट में. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरा का पूरा समझ में आ सके. तो देखते हैं क्या है रिलेटिव प्रोनाउन. क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द स्पीकिंग इंग्लिश. क्या है हु, ओके, एंड हुम. हु एंड हुम, अगर उस सिंपल वे में बात करें जो हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कौन. पढ़ते हैं ना कौन, हु आर यू, कौन आप, कौन हो. ठीक है, और इसका मतलब होता है किसे. ठीक है, लेकिन अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें तो इसका मतलब होता है जो, इसे बोलते हैं जिसे, जिसे या फिर जिसको, या जिसको या जिसके, इस प्रकार जिसको जिसके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कब यूज़ होगा. इसमें ये खासकर यूज़ होगा अपने ह्यूमंस के साथ एज वेल एज एनिमल्स के साथ यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, तो आज देखते हैं कैसे करेंगे ह्यूमंस के साथ में आज की इस वीडियो में. तो कोई एक सेंटेंस लेते हैं किस प्रकार से हमें यूज़ करना है, सेंटेंस बनाना है, देखते हैं. तो देखो रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका रिपीटेशंस को कम करने के लिए नाउन का यूज़ करते हैं. जैसे कि हम बात करें, एक दो सेंटेंस लेते हैं कि मोहन मोहन होशियार है. ठीक है, और दूसरा लो मोहन क्रिकेट खेलता है. क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है. ठीक है, तो ये हमारे हमारे पास दो सेंटेंस है, लेकिन इसको अगर हमें रिपीटेशंस को कम करना है तो हम कैसा यूज़ करते हैं इसको. इसमें हम जो लगा देंगे. क्या लगा देंगे? जो. मोहन होशियार है जो क्रिकेट खेलता है, या फिर मोहन होशियार है जो पढ़ता है. जो पढ़ता है, चलो पढ़ता है ज़्यादा अच्छा लगा, जो पढ़ता है. ठीक है, तो सेंटेंस का हमें अगर रिपीटेशंस कम करना है, सब्जेक्ट को नाम का हमें रिपीटेशंस करना है, सेंटेंस का नहीं, इसको ख़त्म करना है, तो हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं जिसमें से रिलेटिव प्रोनाउन है. तो कैसे बना सकते हैं? मोहन होशियार है, मोहन इज इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट, मोहन इज इंटेलिजेंट. ओके, मोहन इज इंटेलिजेंट अगर हम यूज़ कर सकते थे. मोहन पढ़ता है, मोहन स्टडी, बट हमें क्या करना है, जो के फॉर्म में रिलेटिव प्रोनाउन, जो पढ़ता है, जो स्पीकिंग में खासकर आता है. ठीक है, फिर से देखो मैंने भी जो का यूज़ किया तो क्या लिख देंगे, हु क्या करता है, पढ़ता है, हु स्टडी, हु स्टडीज. अब एस ई एस आई एस क्यों लगाया? एस ई एस आई एस इसलिए लगाया क्योंकि ये सेंटेंस किसका था, इंडेफिनेट में था. किस में था? इंडेफिनेट में था. तो आई होप आप इस प्रकार की भी, इस प्रकार का ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा. ठीक है, आई होप इसकी आप समझ में आ गया होगा. ठीक है, ऐसे ही जिसे का भी यूज़ देख लेते, एक जिसे का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे. ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या कि कोई भी एक नाम यूज़ कर सकते हैं, किसी कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं नाम के. कोई एक सेंटेंस लेते हैं, एक दिमाग में एक अपन सेंटेंस सोच लेते हैं, इंस्टेंटली सोच लेते हैं. ठीक है, तो बोल सकते हैं क्या, वह वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, वह ईमानदार है. ठीक है, वह ईमानदार है जिसे सब पैसे देते हैं. जिसे क्या? सब पैसे देते हैं. जिसे सब पैसे उधार देते हैं. ठीक है, उधार लिख लो. जिसे सब पैसे उधार देते हैं. क्यों देते हैं उधार? क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं पैसे उधार क्योंकि वो भाई ईमानदार है. तो भाई ईमानदार है जिसे सब पैसे उधार देते हैं. तो क्या आएगा? ही इज़ ऑनेस्ट. क्या आएगा? ही इज़ ऑनेस्ट. ही इज़ ऑनेस्ट जिसे, तो जिसे को इंग्लिश में क्या बोला? हुम, रिलेटिव प्रोनाउन में. तो हुम कौन सब देते हैं, जैसे सब, तो whom all उधार दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? उधार. whom all borrow money. ये सब क्या कर देते हैं? उधार देते हैं. जैसे सब उधार देते हैं. तो आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. आई होप ये आपको ईजी होगा, ये ज़्यादा कठिन नहीं है. चलो एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए. ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक बार में ना आ पाए तो दूसरी बार में आ सकता है. क्या आ सकता है? दूसरी बार में आ सकता है. ठीक है,
तो मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, कोई भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। मैंने उसे पढ़ाया जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, ठीक है। तो मैंने उसे पढ़ाया, तो सिंपल है क्या, आई टॉट किसे पढ़ाया उसे, आई टॉट हिम, ठीक है, आई टॉट हिम जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। कौन नहीं बोल सकता, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, ठीक है, तो जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, जो हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। आ रहा समझ में, आई होप इसको समझ आ रहा हो, मैंने उसे पढ़ाया जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, तो आई टॉट हिम हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, जो क्या, अंग्रेजी नहीं बोल सकता था। तो आई होप यह समझ में आ गया होगा, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने 4 एग्जाम्पल बताए हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको और अच्छे से आ जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। तो आज की क्लास थी, आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, कोई शक हो, कोई आपको सजेशन हो, तो वेलकम टू योर सजेशन। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ecle.institute इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया।